मेरी ब्लॉग स्टार्ट हो गई है। सूरज उग चुका है, अभी टाइम 6 बज रहे हैं। तो मैं आज आपको मस्ट कॉल के बारे में बताऊंगा। तो चलो मिलते हैं कुछ देर बाद, तब तक आप उगते हुए सूरज का आनंद लीजिए। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, भूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा, जर हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, जर हिमाला तेरी जय जयकारा, जर हिमाला हिमाला तेरी। सीधे देवभूमि से मैं आप सभी के बीच अमन जुयाल अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ इन खूबसूरत हसीन वादियों के बीच से। तो मैं आज आपको मष्टकाल के बारे में बताऊंगा। और मष्टकाल एक सुंदर सा बाज़ार, छोटा सा बाज़ार है और सिलोगी और चेलुसेन के बीच में बाज़ार है। और यहाँ से हिमालय भी दिखता है और मस्त दृश्य दिखता है। और यहाँ जब सूरज उगता है तो मस्त लगता है, और जब सूरज ढलता है तो ठंडियों के टाइम जैसे विंटर लाइन पड़ती है तो ऐसी विंटर लाइन पड़ती है और मस्त नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। आज थोड़ी धुंध है तो जिस वजह से यहाँ दिखेगा नहीं। तो चलो चलते हैं, बोर्ड देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा है नीलकंठ 57 किलोमीटर, देवीकाल 21, सिलोगी 8। तो यहाँ से 8 किलोमीटर सिलोगी, उसके बाद ये रूट रिस्केस वाला रूट है, तो कल हम इसी रूट में जाएंगे। और पहुंच गए हैं हम बाजार में। और नमस्ते भाई जी, और पैण भरेण अच्छा। और ये रज्जी भैया हैं, तो कैमरे में हाथ हिलाएं, हेलो बोलो। और ये स्टैम्प पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे पानी बहुत कम आ रहा है, देख सकते हो। एक तो स्टैम्प पोस्ट है जिसमें पानी आता है, बाकियों में पानी आता भी नहीं है। देख सकते हैं पानी कितना बारीक आ रहा है, और इस डब्बे को भरने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मष्टकाल का मेन हेडपम्प यही है, यहीं से पीने का पानी हर किसी के घरों में जाता है। और भैरोगढ़ पंपिंग योजना शुरू तो हो गई है, लेकिन यहाँ पानी आता ही नहीं है। यहाँ सिर्फ कभी कभार आता है, वो भी बारीक ना के बराबर आता है, तो समस्या बहुत है। देखिए फिल्टर भी यहाँ काम में नहीं है। इधर दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा बाजार में है अभी हम, मष्टकाल बाजार में है। बस यहाँ हिमालय दिखता है, पर अभी धुंध लगी है जिस कारण दिखेगा नहीं। पूरा हिमालय दिखता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हिमालय दिखता है, चौखंबा दिखता है, पर दिखेगा नहीं अभी क्योंकि धुंध लगी है। तो चलो, ये गेट देख सकते हैं, स्मृति द्वार है ये, अमर शहीद प्रभाकर कोठारी की स्मृति में निर्मित, और ग्राम शिला प्रभाकर नगर 2002 में ये निर्मित हुआ है। चलो आगे ले जाता हूँ मैं आपको, जा रहा हूँ सुरेश भैया की दुकान में, उनसे मिलते हैं। तो हम आ चुके हैं सुरेश भैया की दुकान में, तो भैया थोड़ा कैमरे में हाय बोल दें। हाय। और पानी की तो व्यवस्था थोड़ी खराब चल रही है? बहुत खराब चल रही। बाजार ख़त्म हो गया है मष्टकाल का, यहीं तक बाजार है, वही लास्ट दुकान है। अंदर हैं, ये क्या कर रहे हैं अंदर? ओ यहाँ देख सकते हैं, दुकान देख सकते हैं, ये आत्मनिर्भर बन गए हैं। ये लॉकडाउन से पहले इन्होंने दुकान खोल दी थी और अब पूरी तरह ये आत्मनिर्भर है। तो आप भी आत्मनिर्भर बने आशीष की तरह। नमस्कार भाई। नमस्कार, कैमरा में थोड़ा हाई हाथी ले जाओ। और अभी हो रहे हैं 4:30, और अभी हम पानी के लिए जा रहे हैं, और गाड़ी में हम पानी लाएंगे, यहाँ पानी की बहुत दिक्कतें हैं। और यार यहाँ बहुत सारे डब्बे हो गए हैं, अब इन डब्बों को रखते हैं यहाँ। Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate? पीछे बाइक खड़ी है जिस कारण यहाँ पे बैक नहीं हो पा रही है, और अब हमने जाना है इधर। तो
भैया से चाबी मंगा रहे हैं और सब डब्बे रख दिए हैं हमने। बाइक नहीं हटाना और बाइक तो हटानी पड़ेगी। अब हम पानी में जा रहे हैं, अब बाइक भी हटा दी है तो अब बैक करेंगे भैया, तो चलो चलते हैं। चलो तो चल, हम निकल चुके हैं पानी के लिए। तो हम चल चुके हैं एक नए सफर में और जा रहे हैं हम हेडपंप में पानी के लिए, वो भी गाड़ी में। मेरे साथ बॉबी हैं और भैया हैं, तो चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ, जो हेडपंप दिख रहा है यहीं से हम पानी ले जाते हैं। तो हम अब डब्बों को निकालेंगे क्या। और ये देखिए हमारे अमन भाई पानी भरते हुए, और इस तरह से हेडपंप से पानी भरा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है और हमें अपने गांव से 2-3 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। और आज हमारे साथ हमारे मामा जो हमें इस गाड़ी में लाए, वरना हमें 2-3 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ता है। और देखिए कितने डब्बे हैं, पानी की इतनी समस्या है, देखिए सारे डब्बे लाने पड़ते हैं हमें। और पानी लगभग लगभग भर गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये लक्ष्मण झूला यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है और सिलोगी 8, गुमखाल 22, डुगड्डा 42। और हम पानी के लिए आ रखे हैं यहाँ पे। और ये पीछे देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं आगे, ये देवखेत वाली रोड है और आप ऊपर बोर्ड देख सकते हैं, देवखेत 8.5 किलोमीटर। भैया लोग यहाँ पे पानी भर रहे हैं, अभी भरा नहीं है पूरा, तो चलो मदद करता हूँ मैं। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। भैया अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे। हेलो मान, कैसे हो? बढ़िया भाई जी, तो आप भी आ गए यहाँ? हाँ, पानी में तो आना ही पड़ता। डब्बे कहाँ हैं? चलो रख दिए। अच्छा, अमन घर चलो यार। चलो 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 घर चलते हैं, घर चलते हैं, आप सीधे घर चलो। चलो चलो चल चलो अभी। चलो चलते हैं, अब डब्बे पूरी तरह यहाँ, वो डब्बे हैं पीछे डिग्गी में, और भैया बैठ चुके हैं, तो चलो भैया चलते हैं। चलो तो एक छोटे से सफ़र में हम आए थे, अब निकल पड़े हैं घर की ओर। हमने पानी भर लिया है, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो वीडियो का आनंद ले और सब्सक्राइब जरूर कर दें। Justify leaving, why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say could change the way he feels. Nothing could save him now. So just let this go. Out on the street. और फाइनली हम पानी ले आए हैं और डब्बे अब नीचे रखेंगे और उसके बाद ले जाएंगे सीधे घर। डब्बे हमने वहां रख दिए हैं, अब इसे लॉक कर देते हैं, तो चलो चलते हैं। पहाड़ियों का जीवन ऐसे ही चलता है, बस बनना है तो फौजी बनना है, सुबह भी दौड़ना और शाम भी दौड़ना। तो देख सकते हैं रोबी को, मेहनत देख सकते हैं रॉबी की। ये जो रोड है ये रिस्केस वाली रोड है, मस्टकाल से मैं आगे हूँ, सिलोगी गेंडखाल होते हुए ये रिस्केस जाती है, तो उसी रोड में हम आए हैं टहलने के लिए शाम को। और मेरे साथ अभी रॉबी है, रॉबी क्योंकि रनिंग की प्रैक्टिस करता है तो आगे चला गया है। अब हम राइडिंग के लिए निकल पड़े हैं और मेरे साथ आशीष भैया हैं और राजेश भैया हैं, तो कैमरे में थोड़ा हाथ चला दें। तो अच्छा, इधर से आशीष भैया हैं, तो हवा देख सकते हैं मस्त चल रही है और यार सफर मस्त होने वाला है।
और ये हसीन वादियों के बीच भैया हॉर्न बजाते हुए, कहीं गाड़ियां ना आ जाए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों के मोड़ देख सकते हैं कितने खतरनाक हैं। अगर ये ना बजाई जाए तो पता ही नहीं चलता। तो चलो, और ये रहा बॉबी, भविष्य का जवान। तो मैं बॉबी के साथ आया था और बीच रास्ते में भैया लोग मिल गए थे, तो मैंने ये दिखाया नहीं बीच में। तो चलो अब चलते हैं घर। तो चले चलिए। मैं पहुंच चुका हूं अपने पावर हाउस में। ये मस्टकाल का पावर हाउस है और यहीं से यहां बिजली की आपूर्ति होती है, हमारे गांव में भी यहीं से जाती है। और ये जो रोड है ये मस्ट के लिए जा रखी। तो और पबजी प्लेयर देख सकते हैं, और यहां देखिए घोड़े चढ़ते हुए। तो घर हैं ये काम करने वाले हैं। यहां नीचे जो आगे रोड है ये पुल्यासू और नीचे सीला के लिए जाती है, तो यहीं काम चल रहा है। जो पीछे जो छप्पर बन रखे थे, काम करने वाले थे, उनका घर वहीं पे है, तो वो इसी रोड पे काम कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं पुल्यासू वाली रोड है ये, और सीला भी जाती है। और अभी धुंध लग रखी है जिस कारण गांव दिखाई नहीं दे रहे हैं, वरना मैं आपको गांव दिखाता, सीला गांव दिखाता, पुल्यासू गांव दिखाता। और यहाँ जो ये गांव दिखाई दे रहा है ये बलूनी गांव है, ये नीचे वाला बलूनी गांव और ये ऊपर वाला बलूनी गांव। तो चलो रोड देखो। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि,